क्या आपका घर नॉर्थ फेसिंग है, अर्थात उत्तर दिशा की तरफ उसका मुंह है, बावजूद इसके आपके घर में फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ठीक नहीं है, धन आता तो है लेकिन बचता नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, सेविंग्स नहीं हो पा रही हैं, आप रोजगार के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, व्यापार में तरक्की नहीं है, प्रॉफिट बहुत अच्छा नहीं होता है, जी हाँ, अगर आपका घर भी उत्तर मुखी है अर्थात नॉर्थ डायरेक्शन का है, लेकिन आपके घर में वास्तु के कुछ दोष हैं, तो उत्तर मुखी घर भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। उत्तर मुखी घर होने के बाद भी आप परेशान ही रहेंगे। तो क्या है वो वास्तु के दोष, ये आपको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, कहा जाता है कि उत्तर मुखी घर हमेशा सुख समृद्धि और सक्सेस को देने वाला होता है। लोग अक्सर उत्तरमुखी घर को खरीद लेते हैं लेकिन उसके आंतरिक वास्तु को नहीं समझ पाते। घर तो उत्तरमुखी होता है लेकिन अंदर ही अंदर वास्तु का दोष उस उत्तरमुखी मकान को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख देता है। आप उत्तरमुखी घर में गृह प्रवेश किए रहने के लिए गए और देखेंगे कि पैसे आपके बचना कम हो गए हैं, व्यापार से पैसा ही नहीं आ रहा है, व्यापार चलना बंद हो गया है, परिवार में प्रेम स्नेह नहीं बचा है और लगातार लड़ाई झगड़े के कारण आपका जीवन एक भयंकर परेशानी में फंस गया है। अब इसमें आपको देखने की ज़रूरत है कि उत्तरमुखी मकान होने के बाद भी क्या आपके घर की भूमि का ढलान, फर्श का ढलान दक्षिण या फिर पश्चिम दिशा की तरफ है, क्या आपके घर का उत्तरमुखी घर होने के बावजूद दक्षिण का हिस्सा उत्तर की अपेक्षा ज़्यादा खुला हुआ है, क्या आपके घर में दक्षिण दिशा में पानी का स्थान है, क्या आपके घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बड़ी खिड़कियां हैं, क्या आपके घर की पानी का बहाव दक्षिण या फिर पश्चिम दिशा में जा रहा है, क्या आपके घर के उत्तर दिशा में टॉयलेट बनी हुई है, क्या आपके घर के उत्तर दिशा में बाहर की तरफ बड़े बड़े वृक्ष हैं, बड़ा पहाड़ है या फिर कोई बड़ा टीला है, या आपके घर की उत्तर दिशा उठी हुई है और दक्षिण दबा हुआ है। अगर ये सारी चीज़ें आपके घर में हैं तो विश्वास कीजिए, कितना भी उत्तरमुखी मकान ले लीजिए, वो जीवन में कभी तरक्की और सफलता नहीं दे सकता है, वह आपके जी का जंजाल बन जाएगा और आपके जीवन में भयंकर परेशानियां देने वाला साबित होगा। तो उत्तरमुखी मकान लेने से पहले उसके आंतरिक और बाह्य, अंदर और बाहर के वास्तु को समझने की ज़रूरत है, तभी आप उत्तरमुखी मकान का अच्छा प्रभाव अपने जीवन में देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे उत्तरमुखी मकान का वास्तु कैसा होना चाहिए, क्या उत्तरमुखी मकान लेने से ही जीवन में सक्सेस मिल जाती है। अगर नहीं, आप भी उत्तरमुखी मकान लेने के बाद परेशान हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट करके अपने घर का पूरा वास्तु परीक्षण करा लीजिए। जो भी समस्या होगी बिना तोड़फोड़ आपके वास्तु दोष का निवारण कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जय महाकाल, हर हर महादेव।